सलमान और ऋतिक दो दोस्त थे। दोनों इतने पक्के दोस्त थे कि एक साथ बड़े हुए और एक ही साथ नौकरी करने लगे। सलमान बहुत स्मार्ट और चंचल था और उसे अपने आप को व्यस्त रखना पसंद था और हमेशा कहता, अरे यार लाइफ तो बड़ी बोरिंग सी हो गई है, आज कुछ तूफानी करते हैं। पर ऋतिक बड़ा शांत और साहसी था और वह हमेशा कहता, तुम आम जिंदगी से कितना डरते हो, डर के आगे बढ़ो, डर के आगे जीते। एक दिन ऑफिस में सलमान और ऋतिक की अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से उन दोनों को दूसरे शहर जाकर छुट्टी मनाने का मौका मिला। दोनों यह बात जानकर बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लिए। वहां पहुंचते ही सलमान ने कहा, यार ये कमरा थोड़ा वीराना सा लग रहा है, मैं तो कहता हूँ चलो कमरा बदल देते हैं। डरो मत, डर के आगे जीते, हम कमरा नहीं बदलेंगे, यहीं रहेंगे हम। रात को जब वो लोग शहर घूमकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी अटैची में से सारा सामान बिखरा पड़ा है। किसी ने कमरे में घुसकर कमरे की लाइट तोड़ दी थी और उनका सामान बिखेर दिया था। अरे ऋतिक ये सब क्या हो गया, मैं तो पहले ही कह रहा था यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे तो डर लग रहा है, चलो कुछ तूफानी करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। डर के आगे जीते, लगता है यहाँ चोरी हुई है, चलो इस पहेली को सुलझाएं। अरे वो देखो किसी के पैरों के निशान। दोनों सबूत ढूंढने के लिए खिड़की की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों खिड़की पर पहुंचते हैं उतने में एक भयानक चुड़ैल खिड़की तोड़कर उनके ऊपर कूद जाती है। बड़े दिनों के बाद इस कमरे में कोई रहने आया है, वह भी एक नहीं दो दो। यह दिल मांगे मोर, इतना ताजा माल मैंने सालों से नहीं खाया, आज जाकर मेरी भूख मिटेगी, तुम दोनों खट्टे खट्टे इंसानों को खाकर। सलमान और ऋतिक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, वहाँ डर के मारे थरथराने लगते हैं। तुम कौन हो? मैं शहर की सबसे खौफनाक चुड़ैल खाली अचट हूँ, इस कमरे में कई सालों से बंद हूँ और तुम जैसे ताजा इंसानी गोश्त का इंतजार कर रही थी, यह दिल मांगी मोर। तो क्या तुम यहाँ आने वाले हर इंसान को खा लेती हो? अरे तू थोड़ा मत, आजकल तो जो आते हैं फटे ही होते हैं। कम मत, डाइटिंग कर कर तू शरीर में मस्त रहने ही नहीं देते, तुम दोनों जैसा स्वादिष्ट आज तक कोई नहीं आया, आज तो यह दिल मांगे मोर। सलमान धीरे से ऋतिक के कानों में फुसफुसाता है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। अरे खाली चट्टी जी, आप तो कितनी खूबसूरत लगती हैं, आपके लंबे बालों का राज क्या है? अरे कहाँ लंबे बाल है, एक छोटी सी तो चोटी है, मैं दावे से कह सकता हूँ इनके बाल इतने भी लंबे नहीं है कि एक खिड़की से लटका सके। खामोश, एक चुड़ैल की चोटी को चुनौती देता है, अभी दिखाती हूँ मेरी चोटी कितनी लंबी है। इतना कहकर वह चुड़ैल अपनी चोटी खिड़की के बाहर लटका देती है और सलमान और ऋतिक दोनों कूदकर उसकी चोटी पकड़कर खिड़की के नीचे से उतरने लगते हैं। चुड़ैल गुस्से में आकर पलटकर देखती है। तुम सच कह रहे हो सलमान, चलो कुछ तूफानी करते हैं, तुम चोटी छोड़कर पहले कूदो। नहीं तुम सच कह रहे हो ऋतिक, डर के आगे जीते, तुम पहले कूदो। अच्छा बच्चों, खाली चोट के साथ होशियारी करोगे, ठहरो मैं आ रही हूँ। ऐसा कहकर चुड़ैल भी उन दोनों के पीछे खिड़की से कूद जाती है। हवा में तैरते हुए तीनों नीचे की तरफ गिरने लगते हैं। तब तक सलमान खालिया चट से कहता है, खालिया चट जी, आपकी चोटी से मजबूत तो सामने वाली रस्सी है। चुड़ैल मुंह घुमाकर रस्सी को देखना चाहती है, तब तक ऋतिक चुड़ैल की चोटी एक खम्बे से बांध देता है और नीचे गिरते ही चुड़ैल जैसे ही चोटी से खम्बा छुड़ाकर भागना चाहती है, उसकी चोटी खम्बे से बंधी रह जाती है और वह गंजी हो जाती है। यह देखकर चुड़ैल जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, सुरक्षित खाली थे मेरे बाल, तुम दोनों ने किया बवाल। अपने स्वर्गवासी बालों का बदला लेने के लिए खालिया चट सलमान और ऋतिक के पीछे दुगनी तेजी से भागती है। अरे मर गए। एक
एक बड़े शहर की सोसाइटी में दो औरतें जया और शर्मिला पड़ोस में रहती थीं। उनके पास सब कुछ एक समान ही था, गाड़ी, घर, फर्नीचर, यहाँ तक कि घर के बर्तन भी एक समान थे। उनके बच्चे अभिषेक और सैफ भी एक ही स्कूल में जाते, एक से कपड़े पहनते। बाहर से लगता था कि दोनों परिवार में बहुत प्यार है, पर अंदर की बात कुछ और ही थी। देखिए, अगर आज आपने मुझे शर्मिला जैसा ब्रेसलेट ना ला कर दिया तो मैं मायके चली जाऊंगी। फिर संभालते रहना खुद को और अपने इस नालायक बच्चे अभिषेक को। पड़ोस के सेब से आधा नंबर कम लेकर आया है ये नालायक कहीं का। अरे, आधे नंबर के लिए इस बेचारे पर क्यों भड़क रही हो? वैसे तो 85% लेकर आया ही है ना। हाँ, क्या होता है आधे नंबर से? और क्या कमी है तुम्हारे पास गहनों की? हाँ, हाँ, एक ब्रेसलेट की कमी है। और अगर आज तुम ब्रेसलेट नहीं लेकर आए तो तुम्हें कमी हो जाएगी खाने की, पीने की, साफ सुथरे धुले हुए कपड़ों की और अपनी बीवी की। ये चाहे फेल हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर उनके बच्चों से नंबर ज्यादा ही लेकर आए, चाहे वह आधा ही क्यों ना हो। जाकर अंदर पढ़ाई कर, जब देखो वीडियो गेम। तुमने देखा कल पार्टी में सभी कैसे मेरे ब्रेसलेट और नेकलेस की तारीफ कर रहे थे, और वह पड़ोस की जया उसकी तो शक्ल ही देखने वाली थी। वहीं उसका पुराना नेकलेस और सस्ती चूड़ियां, तभी तो वह कल पार्टी से जल्दी चली गई। खाना भी नहीं खाया उसने। मैं जानती हूँ अपने पति का सर खा रही होगी कि मुझे भी ऐसा ब्रेसलेट और नेकलेस चाहिए। वाह से, तूने भी कमाल कर दिया उसके बेटे से एक नंबर ज्यादा लाकर। मम्मी, आधा नंबर। अरे, आधा भी तो एक ही बन जाता है, और बात आधे एक ही नहीं है। बात ये है कि तूने उससे ज्यादा नंबर लेकर आया है, चाहे आधा ही सही। बता, क्या चाहिए तुझे इनाम में? ओ वाओ, गिफ्ट। मम्मी, मुझे नई वाली वीडियो गेम चाहिए। ए। जाकर अंदर पढ़ाई कर, जब देखो वीडियो गेम। शर्मिला, अगले महीने की 1 तारीख को हमें शिमला जाना है, तो सब तैयारी कर लेना। आप तो कह रहे थे हम स्विट्जरलैंड जाएंगे, और अब शिमला? मुझे नहीं जाना शिमला विमला, मुझे तो बस स्विट्जरलैंड ही जाना है। अरे, इस साल बिजनेस में इतना फायदा नहीं हुआ, स्विट्जरलैंड जाने के पैसे भी नहीं है हमारे पास। इस साल शिमला हो आते हैं, अगले साल स्विट्जरलैंड भी घूमने चलेंगे। पर मैंने तो सबको बोल दिया है कि हम स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, और वह जया जो है वह मेरा मजाक नहीं उड़ाएगी क्या? अरे, नाराज क्यों होती हो? मैं कंप्यूटर से हमारी फोटो निकलवा लूंगा, जैसा कि हम स्विट्जरलैंड ही घूम रहे हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शिमला है या स्विट्जरलैंड। शर्मिला अपना मन मारकर हाँ बोल देती है। वहाँ दूसरी तरफ जया अपना नया ब्रेसलेट पहनकर शीशे के सामने बैठकर देख रही होती है, तभी उसको शर्मिला की शिमला में फोटो लेती हुई खाई से गिर जाने की खबर मिलती है। बोल कर गई थी कि स्विट्जरलैंड जा रही हूँ, और शिमला की खाई में जा गिरी। शायद रास्ता भूल गई होगी स्विट्जरलैंड का। जया बाहर से तो बहुत खुश लग रही थी, पर उसे अंदर ही अंदर यह फिक्र खाई जा रही थी। अब वह किसे अपने गहने दिखाएगी, अपनी साड़ियाँ दिखाएगी, और अब वह किससे मुकाबला करेगी? बिना शर्मिला के जैसे जया की जिंदगी थम सी गई थी। जया ये सब सोच ही रही थी कि उसे एक आवाज सुनाई देती है। मुड़ के देखा तो शर्मिला सफेद कपड़ों में एक चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। तू मर तो गई है, पर देख, मेरी कुर्ती तेरे कपड़ों से ज्यादा सफेद है। जा जा, तू तो फिर मैं इस्तेमाल करती है, और मैं मरने के बाद भी महंगा वाला टर्फ एक्सेल इस्तेमाल करती हूँ। अपने गले में पहना नेकलेस तो देख कैसा टूट गया है। मेरा यह नया ब्रेसलेट देख, पूरे 22 कैरेट खरे सोने का है। चाहे थोड़ा टूट गया हो, पर देख तस्सीम मस नहीं हुआ। और इसका एक एक हीरा इतना महंगा है, ना कि तेरे जैसे 10 ब्रेसलेट आ जाए। हम तो यह छोटा सा घर बेचकर एक बड़े से बंगले में शिफ्ट हो रहे हैं, जहाँ हर चीज की सुविधा है। तेरी तरह इधर उधर नहीं भटकेंगे। कौन भटक रहा है इधर उधर? मैंने तो एक बड़े से फार्म हाउस पर कब्जा किया है, सलमान खान के फार्म हाउस के बिल्कुल साथ वाला फार्म हाउस, जहाँ मैं आराम से अपना चुड़ैल जीवन व्यतीत करूँगी। तेरी तरह नहीं, यहाँ काम करो, वहाँ काम करो, मैं तो सारा दिन आराम करूँगी।
इतना कहकर शर्मिला उड़कर जाने लगती है। जया पीछे से आवाज मारती है, कहाँ चली? अब किस चीज के लिए देरी हो रही है तुझे? मेरे रात के खाने का समय हो गया है। मुझे रात को समय पर खाने की आदत है ताकि मैं फिट रहूं। मुझे तुम्हारी तरह मोटा नहीं होना। अब जया को रात दिन यही फिक्र खाए जा रही थी कि शर्मिला मरने के बाद भी ऐश कर रही है और मैं जीते जी भी खुश नहीं हूँ। यही बातें सोचते सोचते जया एक दिन सड़क पर जा पहुँचती है। ध्यान कहीं और होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वह मौके पर ही मर जाती है। चुड़ैल शर्मिला एक दिन देखती है कि उसके साथ वाले फार्म हाउस पर भी एक चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है। जब अंदर उस चुड़ैल से मिलने जाती है तो देखती है वहाँ जया उल्टी लटकी हुई है और शर्मिला को देखकर बोलती है, देखती क्या हो, मैंने भी कुछ दिनों से चुड़ैलिये योगा करना शुरू कर दिया है ताकि मैं तुमसे ज्यादा फिट रहूं। तू अभी तक इस लेवल पर है, मैं तो उल्टी लटक कर अपने पैर भी सीधे कर लेती हूँ। इसी तरह जया और शर्मिला दोबारा पड़ोसन बन गई और खुशी खुशी एक दूसरे से मुकाबला करके अपना चुड़ैल जीवन व्यतीत करने लगी।